तो गाइस मैं ज़्यादा समय तो लूंगा नहीं, पूछता हूँ ये कहाँ से गाड़ी ली है, क्योंकि गाड़ी ना थोड़ी सी अच्छी लग रही है मुझे देखने में। देखो इसके बड़े बड़े टायर हैं, अच्छी से हैं, इस भाई ने ली हुई है ये गाड़ी। देखो और ये भाई नोएडा से लेके आया है इस गाड़ी को। देखो इसका लुक आराम से चलती है। तो भाई ये नेक थोड़ा बताओगे ये कहाँ से लेके आए हो? भैया ये गाड़ी हमें नोएडा में मिली थी, नोएडा सेक्टर 83। अच्छा नोएडा सेक्टर 83 में इसका सेक्टर 83 का मेट्रो से है ना, थोड़ा उसी के जस्ट पास में कोने पे ही। हाँ अच्छा नोएडा 83 के पास में ही है। हाँ जैसे नोएडा से मेट्रो से 83 को उतरोगे तो आगे जाके 100 मीटर की कम से कम दूरी है, बगल में ही कंपनी है, वहाँ आप किसी से पूछोगे हर कोई बोल देगा, बता देगा वहाँ से लेके आए थे। तो कितना में जमा करके मिला था ये? ये भैया ये हमने 1500 रुपये जमा किए थे, हमें बोला था 1500 रुपये जमा करने पड़ेंगे और आपके डेली के हिसाब से पैसे काटे जाएंगे, वो अभी आपके काम के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अगर आप दिन में काम 1500 सॉरी अगर आप दिन में 550-600 ज़्यादा काम करते हो तो आपका रेंट लगेगा 80 रुपये डेली के हिसाब से। अच्छा अगर 500-600 रुपये का काम करते हैं तो 80 रुपये का रेंट लगेगा? 80 रुपये रेंट लगेगा। अच्छा उससे आप कम करते हो तो 150 रुपये का रेंट लगेगा? अच्छा उससे कम करते हो तो 150 रुपये का रेंट लगेगा। जैसे कि आपने 100 का काम किया, 200 काम किया, 300 काम, 400 काम किया, मतलब 550-600 कम का काम किया। हाँ। तो आपके 150 रुपये लगने लगे, ऊपर काम जितना काम करोगे उतना पैसा इसका रेंट कम हो जाएगा। तो भाई जी जो जिप में जो मैंने जिप में पहले वीडियो बनाई थी तो उसी के हिसाब से उसमें 200 लगता है, इसमें 150 लग रहा है। अगर 600 का बंदा काम करता है तो कितना लगेगा? 80 रुपये लगेगा। अगर 600 से कम करता है तो 150 रुपये रेंट लगेगा। भाई इस भाई ने जोमेटो के लिए ये गाड़ी ले रखी है, भाई देख लो आराम से गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इस महीने। भाई गाड़ी का लुक बढ़िया है, नई गाड़ी दी है भाई को, है एकदम नई है। इस भाई ने पन्नी भी अपने तार उससे उतारी है हाथों से और पन्नी भी लगी हुई है, देखो बिल्कुल नई गाड़ी है, ओके गाड़ी है, चलने वाली मस्त है ना, बिल्कुल आवाज करती है ना कुछ करती। तो भाई जी डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगते हैं इसमें? उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल ली थी बस। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल, बैंक की डिटेल। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं हो तो? नहीं लाइसेंस नहीं मांगते, लाइसेंस नहीं मांगते। अच्छा लाइसेंस तो भाई मांगते नहीं है, तो भाई अपना मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि लाइसेंस वैसे भी इसमें अलाउ नहीं है, आप बिना हेलमेट के वो तो आपको सेफ्टी आपकी है, लाइसेंस वगैरह हो हेलमेट लगा चलो तो आपकी सेफ्टी है, बाकी कंपनी ऐसा नहीं मांगती। इसमें ये प्लस पॉइंट यही है, किसी के पास लाइसेंस ना हो और काम करने की जरूरत हो किसी की तो वो कर सकता है काम, कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा और बाकी इसका मेंटेनेंस बढ़िया है, बिल्कुल बॉडी बढ़िया, बिल्कुल सही है। और मैंने बाइकें देखी हैं उस पर क्या है कि चलती आवाज़ करती है दवा के, तो इन सब चीज़ें अभी से बहुत सही है, मुझे बेस्ट लगी चलने में, मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे अभी बेस्ट लगी, और आगे फ्यूचर कुछ पता नहीं लेकिन अभी तो बिल्कुल सही है। वैसे कितने दिन हो गए आपको लिए हुए इसको? 2 या 3 दिन हो गए, अभी आज तीसरा दिन है इसको। तो गाइस भाई को 2-3 दिन हो गए हैं लिए हुए इस गाड़ी को, पर अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लगी थी तो तभी आया मैं भाई की वीडियो बनाने के लिए। मैंने कि भाई एक वीडियो बनवा दो हमारी, क्योंकि किसी भाई को चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकता है, नोएडा सेक्टर 83 से ले सकता है इस गाड़ी को। और भाई जी इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड भैया इसकी उन्होंने 50 की दी अभी फिलहाल। अच्छा 50 की स्पीड है। और ये चलती कितनी है एक बार चार्ज होने में? ये वहाँ से मैं 80% चार्ज करके लेके आया था। हाँ। नोएडा से। हाँ। और गुड़गांव यहाँ लेके आया हूँ। हाँ। तो 74 किलोमीटर चली मेरी आराम से, 74 किलोमीटर। हाँ। चल गई। और अगर मान लो 20% 100% होती। हाँ। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये 90-95 पहुँच जाएगी आराम से। अच्छा। हाँ फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज करते हो बैटरी को। अच्छा। जितनी पावर खर्च करोगे उतना किलोमीटर कम चलेगी। जैसे ये एक ये सोचो जैसे कि साइकिल चलाते हैं ना, एक पैडल मारा फिर पैडल रोक लिया। हाँ। फिर यहाँ से वहाँ तक आग चली गई आगे, फिर हल्की स्पीड दे दी, मतलब ऐसे ही है। अगर ऐसे चलाओगे तो एवरेज अच्छा देगी, और तुम लगातार स्पीड देते रहोगे, ब्रेक लगाओगे स्पीड देते रहोगे ब्रेक लगाओगे तो इसमें बैटरी का लोड पड़ेगा, एवरेज कम देगी, मतलब किलोमीटर कम चलेगी। तो ये साइकिल चलाते हैं 2-3 पैडल मारी और फिर हम रुक गए, साइकिल वहाँ के लंबे तक चली गई। हाँ। फिर दोबारा पैडल मारा, ऐसे एवरेज निकालेगी बढ़िया। अच्छा। मैं समझा रहा हूँ साइकिल के वैसे उसमें एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, एवरेज निकालेगी ऐसे। अच्छा। तो ये भाई जी बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर एक बार चार्ज होने में ये चल जाती है, और ये चार्ज होने में कितना समय लेती है? मैंने अभी लगाया तो 4 घंटे आराम से लिया। तो भाई जी ये 4 या 5 घंटे आराम से ले लेती है चार्जिंग में, अगर भाई किसी भाई को चाहिए तो ले सकते आराम से। मैं आपको इसका मीटर भी दिखा देता हूँ, डिजिटल मीटर, देखो ये इसका मीटर है। ऑन किया
ये भाई ऑन हो गई है आपकी, ये बैटरी है, ये किलोमीटर है, ये स्पीड मीटर है। हाँ, ये 229 किलोमीटर चल गई है और ये किलोमीटर के हिसाब से अभी न्यूट्रल में, अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ओके करूँगा। तो देखो अभी यहाँ पे ऐप दिखा रहा है, मतलब कि अभी चल सकते हो ड्राइविंग में। हाँ, ड्राइविंग में आप चल सकते हो, बाकी इंडिकेटर वगैरह लाइट वगैरह सब बढ़िया हो। तो गाइस ना ये बाइक को ना बिल्कुल नई मिली है स्कूटी, बस देख लो आप 229 किलोमीटर चली हुई है, 3 दिन हुए बाइक को लिए हुए इस स्कूटी को। अगर भाई जी के चाहिए, अगर किसी भाई को चाहिए, इस भाई को मिल चुकी है, आप देख लो। किसी भाई को चाहिए तो मैं वीडियो देखो भाई, चला के भी दिखा रहा है भाई जी। बस बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल स्मूथ चलती है, प्यारी लगती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसी मैं वीडियो लाता रहता हूँ नई नई चीज़ों की, जहाँ मिलता है मैं डाल देता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी भाई को तो हेल्प होगी। अगर आपको पसंद है तो कांटेक्ट कर सकता है और भाई ले सकता है इस स्कूटी को, कोई दिक्कत नहीं है। इसका TL है, ले सकते हो उससे, कोई दिक्कत नहीं है। ID वही बना के दे देगा सारी चीज़ें, और देख लो आप, इस भाई ने लिया।